मैं खुद दिखा रहा दोस्तों, ये देखो यार दोस्तों, हमारे बरेकेल कला के महानदी देखो, जो कि बहुत ज्यादा बाढ़ आया है दोस्तों। अभी मैं हूँ पुल के एकदम बीच में, आप मतलब दिखा सका हूँ घूम के। मैं देखो चारों तरफ पानी है बहुत, अरे बाप रे। और कोशिश करता हूँ पार करे के, आई थिंक मैं कर लूँ पार। दोस्तों दीपक भाई से दोबारा मिले भाई, जय जवाहर भाई, जय जवाहर दीपक भाई। सब्सक्राइबर्स भाई मिले से बोला, ओमन बोला थे भाई, और आप मतलब मिलवा दो। जय जवाहर भाई, जय जवाहर। जय जवाहर दोस्तों, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं गोपाल आदित्य, आपकी फिर से स्वागत है मोर चैनल छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज मैं साइकिल के राइडिंग कर रहा था, मतलब मैं पीछे में बैठे हैं, राजीव भाई चला दे। और आज हम जा रहे हैं हमारे गांव के महानदी देखे पर। महानदी बहुत अच्छा से बाढ़ आया है, बहुत श्री नारायण में बहुत बहुत बाढ़ आया है। तो यही नदी है श्री नारायण से होके हमारे गाँव में आते गाँव है। अभी अपन जा रहे हैं महानदी देखे पर। और महानदी से पहले हमने एक नदी पर ही छोटे से जिला नरवा बोलते हैं, नरवा के पानी आप मतलब दिखा तो ही देखा कतका ज़्यादा भरे है, वो मुरुंगली है वहाँ पे देखो। तो बीच में नदी नरवा पर ही नरवा पहली पार करबो, ओकर बाद नदी पहुँचबो महानदी, और महानदी में पुल भी है। तो चला हमन आप मतलब बाढ़ दिखा थन कैसे है नज़ारा, वहाँ पहुँच के दिखाबो। वीडियो में अंत तक बने रहो, आप मतलब बहुत मजे आएगी। एमन धान मन खेत मन पूरा डूब गए हैं, ये साइड देख लो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में देखिए। आज साइकिल पर राइडिंग कर रहा था दोस्तों, हमेशा आप बोला स्कूटी में घूमा देखे हुई है। गांव आए हूँ तो बस से आया हूँ गांव में, स्कूटी में अपन ड्राइव कॉलेज में छोड़ती हूँ, साइकिल पर आज भूख लगा थे। वो जगह की भीड़ आप मन अंदाजा लगा सकते हो, जितना भीड़ है कितना मतलब पानी भगत हुई नरवा के पानी। सामने बरेकेल गांव है दोस्तों, और पीछू हमारे गांव है परसदा गांव। तो देखन साइकिल पार हुई कि नहीं, मोला तो नहीं लगा था कि साइकिल पार हुई ये तरह। और जिस तरीके से भीड़ है सब वापस आते ब्रेक लगा दे। चलो आप चलता ना नदी के तीर में पानी के तीर में, और देखता कितना ज्यादा ये तो ऑटो पार नहीं होगा। ए रास्ता छेक दे भाई, आना फेको नजारा देख के यहाँ के, तो ऐसे लगा था मालूम जैसे पार नहीं हो पाए। यार डोंगा चला था, आप मन देख सकते हो साइड गए रोड लग छेक दे है। ये दे अरे वो बुहागिर इसका वो दोस्तों देखो, जैसे कि बाढ़ आ है तो यहाँ पे पब्लिक मतलब आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे नाव चला थे अपन, पब्लिक मन नाव में गाड़ी तक पार करा थे में। आप मैं देख सकते हो, आप मैं देख सकते हो बाइक ट्रक नाव में पार करा थे, इंसान तो इंसान नाव में आसानी से चढ़ा दे दो चार आदमी मिल के। अभी एला पूरा नदी के ओपार जो है पहुँचे ही, इंसान के साथ साथ बाइक ली। ये दोस्तों अब ये डोंगा निकल चुकी है एक ही, अब एक बाद एक और डोंगा यहाँ पे है देखो। मारे पर मोरे लागे ना, चल चल फिर मजाक बस नदी से पैर खिसके बस ट्राई। दोस्तों मैं अभी बीच नदी में जा रहा हूँ, मैं मतलब पुल में वीडियो बना रहा हूँ। भैया देखो बस तो पार कर रहे थे, अब मैं देख के आता हूँ कितना चला रहे का, मुझे नहीं लगा थे मैं पार करे पाऊँ, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं जहाँ तक जा सकता हूँ। ओ हरे पार देखो दोस्तों, वहाँ पे मैं अभी खड़े रहे, अब
अब ट्राई करा था मैं आगे जाए के, कोशिश तो है मोर पार हो जाऊं। मोर पहला आप मन देख सको थे दोस्तों, देखो मोर घुटना घुटना डूबने वाला है अब। अब दोस्तों मैं पार हो जी हूँ, पार हो जाऊँ थोड़ी देर में। सितू वापिस चले जाओ, सितू वापिस चले जाओ मैं, और अगर 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 बह गए तो वापिस जात जात सितू, अगर अगर वापिस जात जात मैं बह चुके तो। दोस्तों अभी आपने देखा कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे बहा थे, और मैं अभी अभी पैदल पार करे हूँ। अब थोड़ी देर बाद क्या पता अगर ज़्यादा पानी आ थे तो पार एक हो नहीं बना थी, जान ले तो बैठे। अब देखो दोस्तों बहुत हिम्मत करके हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे भैया, कुछ बोलना चाह रहे। हाँ बोलिए जी, बता में पूरा बारिश के वजह से पूरा बाढ़ भी बंद है, सब भी बंद है, आना जाना भी बंद है। गाड़ी का कोई पैदल भी नहीं आ सके, वैसे मैं हिम्मत करके आ चुके हूँ। आना जाने के लिए ना सब टीआई और तहसीलदार साहब भी लगे हैं यहाँ पे। हाँ ठीक, धन्यवाद। अरे देखो देखो दोस्तों, ये साइड है बरे के लिए और वो साइड है परसदा गांव है। रास्ता में कोई पार ना हो एक लिए रास्ता में ये सब लगा देंगे हैं, ताकि कोई पार हो की कोशिश मत करे। दोस्तों पब्लिक में आप देख सको कि कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, नदी में देखे आए, यह नाला है, नदी अगर हो पा रही है तो मैं अभी मैं पैदल जाऊँ नदी तक। अब कि मैं तो साइकिल में आ रहे हैं, मोर भाई राजीव वो तो नदी के वो पानी छूट गए, तो अब मैं जाता हूँ वो साइड नदी तक पैदल जाऊँ। अब आप मेरा दिखाता हूँ मैं नदी के कहाँ जा रहा है। दोस्तों नाला पैदल पार कर रहे हो मैं, पुल पार से आगे नदी जा रहा हूँ मैं। रास्ता मोला बहुत ही खूबसूरत नजारा देखे हुए मिली से। यहाँ पे देखो किसान भैया ब्यासी कर रहे थे, आने धान जगा ले अभी ब्यासी कर रहे थे, मतलब बेला चाली अलग अलग चाली एला बोलते ब्यासी। ब्यासी करना बहुत जरूरी रहती दोस्तों, अगर आप मन किसान हो तो जाना तो हो। दोस्तों एक गांव के नाम है ग्राम पंचायत बरेकेल कला, आप मन देख सकते हो बरेकेल कला विकास खंड जयजयपुर, और ये गांव चारों तरफ से डूबा थे दोस्तों। सामने महानदी है, सामने महानदी, महानदी में भी बाढ़ आया है, और पीछे तो आप देख ही चुके हो कि नाला किस तरीके से बाढ़ आया है। बरेकेल गांव में मोला एक भाई मिली से अभी जो नाला पार के करके आया हूँ ना नरवा, उसके बारे में कुछ कुछ बता दे तो आप मतलब मैं बात कर रहा हूँ। जय जवाहर भाई, आप मन के क्या नाम है? आप मन यही रहते हो बरेकेल गांव में? बरेकेल गांव में वही बात है कि समझ नरवा है ना, हाँ ये समझ के आला समझ पानी गिरा थे ऊपर वजह से ना, पानी बहुत फूल चला थे। तो अभी जो पानी में तो पार करके आया हूँ, मैं घुटना के नीचे तक ही पानी रही सुबह, जैसे कि बहुत ज्यादा रही इसका पानी। अच्छा आज 14 अगस्त है दोस्तों, आज शाम तक पानी थोड़ा कम हो गया है, जैसे कि भाई ये बता थे सुबह तक पार करना मुश्किल रही इसे, वैसे तो पार करना अभी भी मुश्किल है। धन्यवाद भाई इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी मैं जाता हूँ महानदी, महानदी में देखिए कितना ज्यादा पानी है। अच्छा श्री नारायण के पुल पूरा डूब गया है, मैं देखी हूँ यूट्यूब में, तो वही दो देख के मैं आ रहा हूँ कि ये कर कैसे। दोस्तों अभी मैं पैदल समथिंग 500 मीटर पैदल चलत मैं अभी आ चुके हूँ महानदी में नरवा के बाद, और यहाँ से मुझे महानदी के बहाव दिखा थे तेज, वहाँ पे अपन देख सकते हो उंगली जहाँ पे मैं करे हूँ, कितना ज़्यादा पानी तेजी से बहा थे। अभी मैं पुल पहुँचने वाला हूँ, पुल पहुँच के आप मतलब दिखाऊँ कितना ज़्यादा रौद्र रूप है भाई।
दोस्तों पुल के ऊपर में तो नहीं भागा रहे, पानी है लेकिन बहुत ज्यादा पानी है। अब आप मेरा नजदीक से दिखा दो मैं पानी था। ये साइड लो देखो यार, नीचे साइड लो। अरे बाप रे, हे अगर कोई गलती से गिर गए ना वो बाहर नहीं निकल पाए। वो ये साइड में दिखा दो दोस्तों आप मतलब मैं लेफ्ट साइड ला राइट साइड ला तो आप मतलब दिखा रहे हैं। अरे बाप रे कत ही पानी, हे और देखा दोस्तों सब पब्लिक मैंने यहाँ पे बस नदी देखे पर आए, इतना ज्यादा बाढ़ है नदी के तेल आ जा। तो दोस्तों अभी आप दिखाने वाला हूँ कि बाढ़ आए नदी की और यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। कैमरा से बोला मैं निकल दिखा दो एक अगर देखा दोस्तों कितना ज्यादा पानी के बुहार है, मतलब पानी के जला रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजी से पानी जो है बहुत नीचे साइड जा रहे आप देख सकते हो। और ये जगह ना आप मत देखिए, मैं खुद दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखो तो दोस्तों अभी आपन देखा कि कितना ज्यादा बाढ़ है यहाँ पे और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। यह नदी के वो पार जैतपुर है, देखो दोस्तों पूरा पुल में भरे हुए पब्लिक वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। ये साइड तो आपने देखे ही हुआ कि किस तरीके से इंसान मन कार के अपन म्यूजिक चला के मस्ती कर रहे थे। दोस्तों ये साइड है नदी, नदी में आए बाढ़ और ये साइड लेफ्ट साइड मैं जाके देखा तो बाबा मन मछली पकड़े थे तो चला दौड़ के बाबा के पास जा जब बहुत सन जे मछली पकड़े थे। अरे देखो दोस्तों पानी के मैं एकदम नजदीक आ चुकी हूँ, ये बहुत गहरा है नदी है दोस्तों। कतक पाएगा मछली का एक देखो दोस्तों बाढ़ आए और बाबा मस्त मछली पकड़े थे, मछली झोला थे एकदम कोल थी चिंगड़ी झोलाई। कतक मछली पास बाबा वो देखो दोस्तों आप मतलब दिखा दो मछली कतक कन हो पा चुके है। दोस्तों दीपक भाई से दोबारा मिले भाई, जय जवाहर भाई। दीपक भाई के इंस्टा आई डी डिस्प्ले में भी दे दो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, जाके चेकआउट कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई लोग। चलो तो दोस्तों पूरा वीडियो आप मतलब मैं दिखा दें, वीडियो आप मतलब कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों। कमेंट कर दो करो यार, कम से कम कुछ तो बताए करो कमेंट करके। कमेंट कर दिया तो हम मतलब पता चलते हैं हमारे कमी का है, हम मतलब कहाँ से सुधार करना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखे हो दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करो और शेयर करने को तो वैसे मैं बोला नहीं दोस्तों, फिर भी आप शेयर करते करो अगर आप मतलब अच्छा लगते मुझे वीडियो तो मिलता है ऐसे कुछ नवा वीडियो में। प्यार मोहब्बत बनाए रखूँ, दया दया बनाए रखूँ। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।